जी एमएम फाइनेंस देखिए सर, महिंद्रा सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हमारे रडार पे है। इनफैक्ट आपने हमारे इस वीक के पोजिशनल पिक को आपने चूज कर लिया है, किसी दर्शक ने पूछ लिया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपने इस वीक के पेड रिसर्च रिपोर्ट पे भी रखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को, बट 192 के ऊपर बाई रखा है हम लोगों ने, कंडीशनल बाई है कि 192 का ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो हम लोग इसको 210 से 225 का लेवल देख रहे हैं, 210 से 225 का लेवल हम लोग देख रहे हैं, बट 192 के ऊपर है। तो लेट इट ब्रेक 192 के ऊपर चलता है तो 185 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें लॉन्ग कर लीजिए एंड पोजीशन को 210 तक पहला टारगेट रखिए। अगर 210 के ऊपर चलता है तो 225 का सेकंड टारगेट रखिए। इसके पैटर्न्स बहुत अच्छे बन रखे हैं, बस 192 के ऊपर ये अपना प्रीवियस आई थिंक अप्रैल 2022 का हाई है, इसको तोड़ेगा ना तो देन इट विल बी ऑन ए गुड अप ट्रेंड। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट तीनों ही बाइंग को सपोर्ट दे रहे हैं एंड वी आर होपिंग कि 192 के ऊपर ये निकल जाए, बस तो धमाकेदार कमाई होगी इसमें। विकास जी, इसमें कोई एक ऐसा पैटर्न जिसकी वजह से ये वाली सारी चीजें, कोई एक मेन, बहुत सारे पैटर्न दिख रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक पैटर्न आपसे अगर पूछूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? मैं अगर आपको सिंपली समझाऊं तो डेली चार्ट में आप देखोगे ना, अभी फिलहाल तक में ये 192 में ये डबल टॉप का पैटर्न के तरफ पे अटका पड़ा है, ठीक है। अगर अपने टेक्निकली बात करें तो इट्स नियरली अ डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। तो अगर ये डबल टॉप को तोड़ देता है ना तो 192 के ऊपर अगर ये डबल टॉप तोड़ देता है तो डबल टॉप का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो देन इट कैन हिट फर्दर हायर। ठीक, बस वही सुनना चाह रहा था सर, क्योंकि जैसे हमारे दर्शक ये जो आपने दोनों को जी जी ठीक है, कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि बस ये टॉप्स के ब्रेकआउट हो जाएंगे ना, देन इट विल बी वेरी गुड, और बाकी टेक्निकल इंडिकेटर वाइज इट इज वेरी गुड। इंडिकेटर वाइज इसमें बाई सिग्नल्स है, बट हम लोग इस टॉप का ब्रेकआउट का वेट करें, नहीं तो ये डबल टॉप बन के रह जाएगा एंड फिर ये रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा एंड द स्टॉक वुड फॉल टुवर्ड्स 175 टू 160 ऑड जोन्स। ठीक, इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में ये स्ट्रेटेजी, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखें कि कहाँ पे एंट्री करनी है, उसको वॉच करना है, इसलिए वॉच लिस्ट में रखें, फिलहाल इमीडिएटली एंट्री नहीं करनी।